हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था और हमारी जो क्वेश्चन नंबर 8 तक थे वो हमने सोल्व कर लिए थे। अब जो है एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, उसमें कुछ अलग हिंदी स्क्रिप्ट में नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, जो अपनी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट होती है उसमें नंबर लिखे हुए हैं और फिर हमको उनको पहले पहचानना है फिर सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद इन इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, यानी कि इंडियन न्यूमेरल सिस्टम जो है, यानी कि हिंदी स्क्रिप्ट में नंबर लिखे हुए हैं, इनको आपको एड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको नंबर को पहचानना आना चाहिए, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं तो 1 से लेके जो 9 तक डिजिट है वो लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक जो जितनी भी डिजिट है उनको कैसे लिखते हैं हिंदी में ये लर्न करोगे तो आप इन नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर इजीली सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 है तो ये 1 जो है वो या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे, ठीक है, नॉर्मली वो ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम 9 लिखते हैं वैसा। ठीक है, तो ये 1 है, 1 को इस टाइप से लिखना है। फिर 2 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, लेकिन इस टाइप से नहीं होगे, वो थोड़ा इस टाइप से होगा। तो 1 ये ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखना है, 3 और 4 जो है वो इंग्लिश का जो आर लिखते हैं स्मॉल आर उस टाइप से लिखना है, 4। 5 को ऐसे लिखना है, ठीक है, 4 है उसकी थोड़ी ऐसे गांठ लगा के राउंड करके लिखना है। फिर 6 जो 3 होता है उसका अपोजिट है 6, ठीक है, और 7 इस टाइप से लिखना है। 8 है वो या तो ऐसा होगा या ऐसा, ठीक है, दोनों सेम ही है, केवल यहाँ ऊपर एक लाइन का डिफरेंस है, तो यह है 8। और 9 जो है वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी, यानी कि इस टाइप से लिख के बीच में ई जो इंग्लिश का ई लिखते हैं उससे बीच में एक लाइन हो सकती है, या फिर ये 1 जो लिखा उसका अपोजिट, ठीक है, उसको उल्टा करके लिख सकते हैं ऐसे वर्टिकल। ये हो गया 9। और 10 जो है वो 1 और 0 को मिला के लिखना है, तो 1 ये हमने 1 लिखा था वहाँ और ये ऐसा 0 0 ही होता है तो 10। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा नहीं केवल 0 से लेके 9 तक जो 10 डिजिट है वो लर्न करोगे हिंदी स्क्रिप्ट की तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आपको इनको लर्न करनी है, ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ लिख रखी है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने तो इनको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था, एड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर एडिशन का लग रहा है तो एड करना है, माइनस लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट वाले में एडिशन है, सेकंड वाले में सब्ट्रैक्शन है। तो फर्स्ट एडिशन हम देखते हैं। अब ये नंबर जो लिख रखे हैं आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर क्या लिख रखा है, फिर आपको सोल्व करना है। तो ये नंबर देखो इधर क्या लिख रखा है, यहाँ पर ये नंबर 2 है, फिर ये क्या है तो उधर देखो 5 है, ये 6 है, ये कौन सा नंबर है 8, ये 4, ये 3, ये 5 और ये 4। अब हमको इनको ऐड करना है। सबसे पहले हमको नंबर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, रॉन्ग नहीं हो जाए ध्यान से आराम से देख के, फिर उनको ऐड करना है। यस, ये क्या है 8 और 4। अब 8 और 4 कितने होते हैं, प्लस कर लो 8 और 4 12, ठीक है, तो 12 में हम क्या करते हैं एडिशन में आंसर 12 आ रहे हैं, ठीक है, एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हम क्या करेंगे 2 तो यहाँ लिखेंगे, 1 के लिए लगाएंगे, ठीक है, तो हमको 2 लिखना है यहाँ, तो 2 कैसे लिखना है उधर देखो, तो इस टाइप से लिखना है 2 और 1 के लिए लगेगा यहाँ, ओके, इस टाइप से सोल्व करना है। अब इनको वापस अगले क्वेश्चन प्लस करना है, ये क्या लिख रखा 6 और ये 5, ठीक है, और ये 1 है, इनको प्लस कर लो, तो ये 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 5 वापस 12 आ रहे हैं, ठीक है, ये भी 12 ही आ रहा है, तो 12 वापस ऐसे ही करना है, 2 तो यहाँ लिखना है 1 कैरी लगाना है। अब इनको प्लस करो, 1 और 5 6 हो गए, 6 और 3 9, 9 कैसे लिखना है, भले ही आप ऐसे लिख सकते हो 9 और ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों में से आपकी जो इच्छा हो, ठीक है, मैं फर्स्ट वाला ही लिख रहा हूँ इस टाइप से, ये 9, इसमें कोई कैरी नहीं था क्योंकि 5 और 1 6 और 3 9, ठीक है, कैरी नहीं है। यहाँ क्या बच गए 2 और 4, 2 और 4 कितने होते हैं 6, 6 कैसे लिखते हैं,
ठीक है, तो आपको आंसर भी हिंदी स्क्रिप्ट में ही लिखना है, ठीक है। ये नंबर भी हमको हिंदी स्क्रिप्ट में दिए हुए हैं, आंसर भी हिंदी स्क्रिप्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके प्लस का आंसर है, तो इस टाइप से इनको सोल्व करना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा नंबर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जो नंबर है उनको पहचानो, फिर उनको प्लस करो, और जो आंसर आ रहा है वो भी इधर से देख के लिख लो कि कौन से नंबर पर क्या लिखना है, टू कैसे लिखते हैं, नाइन कैसे लिखते हैं, सिक्स कैसे लिखते हैं, इस टाइप से। और अब हम करते हैं सेकंड माइनस, तो माइनस में भी यही है, पहले नंबर पहचानो ये क्या लिख रखा है, थ्री, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर टू, ये क्या है, टू फोर एट सिक्स। तो सबसे पहले हमने नंबर उधर से देख के पहचान लिए, अब हम माइनस करते हैं, यहाँ क्या लिख रखा है, टू और यहाँ सिक्स, यानी कि नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर छोटा है, यानी कि हमको कैरी लेना पड़ेगा, है ना। तो जब हम कैरी लेंगे तो इस वाले में से लेते हैं कैरी और इधर आएगा, है ना नंबर, तो वन हमने यहाँ से लिया तो यहाँ सिक्स थे तो अब फाइव बच जाएंगे, और यहाँ कितने हो जाएंगे, ट्वेल्व। अब ट्वेल्व में से सिक्स माइनस करो, ट्वेल्व में से सिक्स माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, सिक्स। सिक्स कैसे लिखते हैं हिंदी में, इस टाइप से, यहाँ कितना है, फाइव, यहाँ है एट, वापिस छोटा नंबर है ऊपर, वापिस कैरी लोगे इधर, यहाँ फाइव है तो यहाँ बच जाएंगे फोर, यहाँ हो जाएंगे फिफ्टीन। फिफ्टीन में से एट गए तो कितने बचेंगे, फिफ्टीन है, फिफ्टीन में से एट गए तो कितने बचेंगे, सेवन। सेवन कैसे लिखते हैं, इस टाइप से, यहाँ फोर है, यहाँ भी फोर है, दोनों नंबर सेम है तो आंसर आएगा जीरो, और यहाँ है थ्री और टू, थ्री माइनस टू वन, वन ऐसे लिख लो, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी वन ही है, ठीक है। अगर ये वाला राउंड करके लिखोगे तो टू बन जाएगा, और बिना राउंड के लिखोगे तो वन, यहाँ पे राउंड होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 1076, ये माइनस का आंसर है, ठीक है। तो आंसर को भी इन्हीं नंबर में लिखना है, तो इस टाइप से हमको ये हिंदी जो स्क्रिप्ट वाले नंबर है वो सोल्व करने हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम होगी वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।